यही मौका है वो नाखून लेने का। राना। अब चुड़ैल के इस नाखून के जरिए मैं दादी माँ और दाई माँ तक पहुंच पाऊंगी। जिसकी शुरुआत आज से होगी, राणा और काली की प्रेम कहानी। ये लगा जिसकी शुरुआत आज से होगी, राणा और काली की प्रेम कहानी। ये लगा जिसकी शुरुआत सिर्फ आज से होगी, और अब मैं तुम्हारी अकेले नहीं। ये लड़ाई आज से सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और अब मैं इसे अकेले ही लड़ूंगी। वो सियाह है सारा, तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करेगी। वो सियाह है और राम की रहेगी। सियाह राम की है, कभी भी प्यार नहीं करेगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये लड़ाई नई कहानी सिर्फ मेरी, राणा और मैं की प्रेम की। सिया, हेलो सिया, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस तुम्हें सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए फोन किया था। मतलब सॉरी इसलिए क्योंकि तुमसे बुरी तरीके से बात की, और थैंक यू इसलिए क्योंकि तुमने मुझे जो कुछ भी सिखाया जिसकी वजह से मैंने राम को बचा लिया। सिया, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने राम और मोहिनी को एक नहीं होने दिया वनराज, और तो और मुझे मोहिनी का नाखून भी मिल गया। यही होती है सच्चे प्यार की ताकत। एक बार अपना प्यार पाने की ठान लो तो कोई चुड़ैल, कोई दाना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वनराज। सिया, रखती हूँ। हेलो सिया, हेलो सुनो सिया, ऐसे कैसे हो सकता है? Exactly. ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। क्या गड़बड़ है? पता नहीं, पर यहाँ मेरे और राणा के सिवाय कोई और भी था। Come on, babes. तुम दोनों के बीच आने की कोई हिम्मत करेगा क्या? और वैसे भी घर में कोई नहीं था, सारे नौकर भी छुट्टी पे थे, और अगर कोई आता तो गार्ड्स उसे पकड़ ना लेते? ये तुम्हारे मन का वहम है। No, डिकी, ये मेरे मन का वहम नहीं हो सकता। I am damn sure. तुम सही कह रही हो। मैं समझ गई कि यहाँ क्या हुआ था। ये देखो मोहिनी, खुली हुई तार। इन खुले तारों की वजह से यहाँ आग लगी।
वहां पर ये तार टूटा कैसे? मोहिनी, तार है, टूट गया होगा। और ये देखो, देखा कितनी आसानी से चिंगारी लग जाती है। मोहिनी, तुम बेकार में ज्यादा सोच रही हो। ठीक है, पर अब मुझे राणा की फिक्र हो रही है। राणा ने मुझे मेरे असली रूप में देख लिया है। अभी उठेगा तो इसे क्या जवाब दूंगी मैं? क्या? अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, एक तरकीब है, हम राणा की याददाश्त को मिटा देंगे। सुबह उसे कुछ याद नहीं रहेगा। नहीं डीके, मैं पहले भी कह चुकी हूं, अपनी बर्दाश्त से ज्यादा जादू टोना सह चुका है राणा। अब और जादू किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी अपने राणा को। अब तुम्हारा नहीं, सिर्फ काली का जादू चलेगा राणा पर। अब राणा तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। मोहिनी जी, हो गया क्या? क्या मिलन? आपका और राणा जी का मिलन हो गया क्या? सोच समझ के बोला कर। मोहिनी ने जरा तमीज से क्या बात कर ली? तू सर पे बैठ के नाचेगी क्या? ये काली के रिबन का सिरा जला हुआ क्यों है? काली के रिबन से इसका जला हुआ टुकड़ा, कहीं काली तो नहीं थी यहाँ? कहीं मोहिनी की नजर बट्टू ही मोहिनी के प्यार पे नजर तो नहीं डाल रही है? मोहिनी को कुछ भी बताने से पहले मुझे इसका पूरा सच पता लगाना ही होगा। वनराज, अब ये सब नहीं चलेगा। अरे लाख मना करने के बाद भी तूने हमारी बात नहीं मानी, चला गया ना ताला तोड़ के घर से बाहर। रात रात को भटके है तू, चल के राय थारी जिंदगी में बता हमारे को। बहुत हो गई तुम्हारी ये मनमानी वनराज, ये सब कुछ तुम्हें रोकना होगा। मैंने और बिंदु ने तय किया है कि जल्द ही हम तुम्हारी और झुमरी की शादी करा देंगे। क्या? हाँ। क्योंकि एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना तो तुम्हारा ये दिल और तुम्हारा ये दिमाग दोनों ठंडे हो जाएंगे, सारी समस्याओं का परेशानियों का हल हो जाएगा, झुमरी का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। बेचारी कितने सालों से इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। यहाँ बैरामगढ़ में इतनी तकलीफ है और आप लोगों को मेरी शादी की पड़ी। और बहाने ढूंढने की कोशिश मत करो वनराज, ये मेरा आखिरी फैसला है। आपके फैसलों से कब मुझे फर्क पड़ने लगा? मैं शादी नहीं करूंगा।
वनराज। ये क्या बोल रहा है तू? मैं माँ हूँ थारी, थारे को मार। कसम मसम मत देना माँ, तुम कसमों का मान नहीं रख पाऊंगा मैं। ना माँ की कसम, ना प्यार और ना ही दोस्ती, किसी की भी लाज ना रख पाया ना तू वनराज। शायद शायद मारे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी वनराज, जो इतनी आसानी से तूने मारा दिल तोड़ दिया। तुमरी रुक, तुमरी। तुम ठीक तो हो ना? राणा मुझसे डर रहा है। कल रात जो भी हुआ उसके जहन में बिल्कुल ताजा है। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरह राणा को समझाना होगा। कल रात जो कुछ भी तुमने देखा वो सच नहीं था। लेकिन कल रात हुआ क्या था? क्या हो रहा है मुझे? मेरी याददाश्त को क्या हो रहा है? क्या हुआ था कल? मैं बताती हूँ। लेकिन इसे कैसे पता? ये तो यहाँ थी भी नहीं। हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ नहीं थी, पर हारे को भले याद ना हो राणा जी, पर कल रात की काली रात मैं को नहीं भूल सकू हूँ। तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है काली, चल जाए यहाँ से। ना 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 मोहिनी जी, ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? आपको पता होना चाहिए आने क्या किया कल रात को। क्या किया मैंने मोहिनी के साथ? है तो पूछो ही मत। कल रात को खाने हमलों किया है मोहिनी जी पर। क्या बकवास कर रही हो तुम? थाने जूते चप्पल लात घूसे सब बरसा दिया आप पर। इतना ही नहीं, आके लंबे लंबे सुंदर सुंदर घने घने बाल पकड़कर दीवार पे जो भचीरो दियो हो, जो भतीरा दियो हो, ऐसा तो कोई थानेदार किसी अपराधी के साथ भी ना करो जैसे थाने आगे धुलाई करी। थारे को इतनी कोशिश की रोकने की, पर न जाने थाने में कौन सी आत्मा घुस गई थी कि रुकी ना रहे थे। मोहिनी तुम बताओ, क्या मैंने ऐसा कुछ किया? अरे इतनी शक्तिशाली चुड़ैल थोड़ी बोलेगी अपने मुंह से कि यहाँ ने थारे से मार खाई। मुझे कुछ याद नहीं, बकवास कर रही हो तुम। कैसे याद होगा, कैसे याद होगा? है तो नशे में इतने धुत पड़े थे, होश ही नहीं था थारे को। आज सब इस कलमुई शराब का किया था, मैं तो पहले ही बोल रही थी छोड़ दो आने। अगर थे मोहिनी जी से प्यार करते हो या नहीं भी करते हो, जो भी है, कम से कम जो वादा किया है इनको बचाने का वा तो निभा लो। अब ऐसे में थे ही इनकी धुलाई करोगे तो फिर इनको बचाएगा कौन? रिलैक्स राणा, इसकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और तुम काली अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। देख रहे हैं आपका प्यार, इतना प्यार करे है थारे से, इतना प्यार करे, अब आपकी खातिर तो शराब छोड़ दो। वादा करो आज से थे शराब को हाथ भी ना लगाओगे। अगर राणा ने इस बेवकूफ की बात मानकर शराब छोड़ दी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
देख दो कौड़ी की नौकर राणा को ये बताएगी कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। औकात में रहे अपनी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm really, really sorry. आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। राणा मोहिनी जी, कल आपने मने मारा उसका मने व्यक्ति पर भी बुरा ना लगा। बुरा तो मने इस बात का लगा कि आप जो इतनी मेहनत से लाली लिपस्टिक लगा के जो तैयार हुए, राणा जी ने शराब के सारी मेहनत पर पानी डाल दिया। इसीलिए मैंने सोचा कि राणा जी की शराब छुड़ा देंगे तो काम ही सही हो जाएगा। ना तो वो शराब पियेंगे, ना वो कुछ भूलेंगे और ना ही कोई काम बिगाड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि अगर राणा नशे में नहीं रहेगा तो वो लड़की उसके जहन में बार बार आती रहेगी। जिस अतीत से मैं राणा को दूर ले जाना चाहती हूँ वो उसकी यादों में फिर से आ जाती है। और ये सब तेरी वजह से होता कल। आइंदा से मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना। नजर पट्टू है तू मेरी काली, वही बनकर है। मैं जानती हूँ मोहिनी कि मैं क्या कर रही हूँ। इसके लिए एक थप्पड़ तो क्या, हजार थप्पड़ खाने को भी तैयार हूँ मैं। राम की शराब तो मैं छुड़वा कर रहूंगी। नहीं सिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती सिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती सिया। तुम ऐसे मुझे अपने हाथ से अलग नहीं कर सकते। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा सिया। सिया हेलो सिया। हाँ वनराज। सिया मुझे मिलना है तुमसे। सिया वनराज मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, मोहिनी अभी भी घर में ही है। मुझे मुझे मिलना है तुमसे, बहुत जरूरी बात करनी है सिया। नहीं मिल सकती वनराज। कल मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया था क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था, लेकिन अब मैं ये लड़ाई खुद लड़ लूंगी। तुम्हें और परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनो सिया। मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि जब मैंने अपने पति को बचाने के लिए तुमसे मदद मांगी तो तुमने मना कर दिया। नहीं सिया ऐसी बात नहीं है सिया। और मुझे भी रोका क्योंकि मैं नहीं कर सकती वनराज। सिया, दोबारा मुझे फोन मत करना। नहीं 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 हेलो सिया सिया Thank you.
दादी माँ, दाई माँ, मैं आ रही हूँ। आप दोनों को इस कैद से निकाल लें।